कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, कोई भी सर्व सुविधा युक्त आवास और समस्त शासकीय अप्रूवल के साथ। तो देर किस बात की, फ्लैट एवं प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। अभी तक देखने को मिलता रहा है कि माफिया एसडीएम और तहसीलदार से लेकर पुलिस वालों के ऊपर वाहन चढ़ाने या धारदार हथियार से हमला करने में नहीं चूकते थे। ऐसे ही कुछ अपराधी जब जेल की चार दीवारों में पहुंच जाते हैं तो जेल पहरी ही नहीं बल्कि अधिकारियों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। अब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रेत खदान जंगल ही नहीं बल्कि जेल की चार दीवारियों के भीतर महिला जेलर पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई से जुड़ी है, जहां पर खुरई उपजेल की जेलर श्वेता मीना पर एक विचाराधीन कैदी ने जानलेवा हमला कर दिया। खुरई उपजेल की जेलर श्वेता मीना पर जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी राकेश यादव ने अचानक से हमला कर दिया। हमले के कारण जेलर गिर गई, जिससे उन्हें हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल मामला सोमवार के दिन का है। साप्ताहिक परेड में जेलर श्वेता मीना द्वारा कैदियों की समस्याएं व अन्य जानकारी ली जा रही थी, तभी एक कैदी राकेश यादव ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गिर गई और उन्हें गंभीर चोटें आ गई। फिर निश्चित तौर पर अपने अधिकारी पर हुए हमले का विरोध उपस्थित पहरियों ने किया होगा, ताकि अन्य बंदी भी अनुशासन में रह सके। कैदी राकेश यादव एक कुख्यात अपराधी है। इस पर हत्या के प्रयास व अपहरण जैसे संगीन मामले बीना व ललितपुर में दर्ज हैं। मामले की जानकारी जेलर ने खुरई एसडीएम व अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद उन्होंने खुरई थाने में मामला दर्ज करा दिया है। उसके बाद इस कैदी ने पेशी के वक्त न्यायाधीश से शिकायत की कि जेलर ने मुझे मारा है, तो अदालत का आदेश हुआ कि यहाँ की जेलर पर जांच खड़ी हो गई। अब क्या कार्रवाई होती है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। राकेश जैन, खबर एक्सप्रेस न्यूज, खुरई। मेरा नाम श्वेता मीना है, सहायक जेल अधीक्षक, सब जेल खुरई के पदस्थ हूँ मैं। जी मैडम, पूरी घटना क्या है? सोमवार को जो बंदी परेड होती है, उस बंदी परेड में मैं गई थी। मैं लगभग एक माह से भोपाल में थी, उसके बाद 1 फरवरी को ही मैंने उपस्थित होकर बंदी परेड ले रही थी मैं। तो उसी दौरान बंदी ने मुझसे पीछे से हमला किया, धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे मुझे घुटने पे कंधे पे चोट आई। जी तो मैडम, यह है घटना की जानकारी आपने सबसे पहले संबंधित किस अधिकारी को दी थी? किसको? जी मैंने एसडीएम साहब को दी थी, संबंधित थाना प्रभारी को दी थी, और अपने वरिष्ठ अधिकारी को, जेल विभाग के सर्कल सुपरिटेंडेंट सभी को मैंने सूचना दी थी। तो मैडम, जो अभी जांच की बात कही गई थी, तो उसमें अभी कुछ जाँच हुई है या नहीं हुई है? जी एसआई साहब ने आकर, जो यहाँ से थाना प्रभारी को मैंने एफआईआर दर्ज की थी, तो उन्होंने आके प्राथमिकी दर्ज की है उसकी, और अभी जाँच चल रही है। जी तो अभी तक है इसमें मतलब आरोप किसी पर नहीं लगे हैं कि क्या है? आरोप बंदी पे लगे हैं ना, उन्होंने आके देखा है बंदी के कथन, यहाँ पे उन्होंने आके चेक किया है और बंदियों के और स्टाफ के कथन दिए हैं, और उस कथन से प्रथम दृष्टया बंदी द्वारा हमला किया गया है मुझ पर, और एमएलसी भी कराई थी जिसमें मुझे चोटें थी। तो मजिस्ट्रेट, यह जाँच थी जो मजिस्ट्रेट साहब ने एसपी साहब को जाँच में लिखा था, उसमें क्या हुआ? नहीं वो तो अभी मेरे पास कुछ आदेश भी नहीं आया उसका, मैं जी पेपर में ही सुन रही हूँ, बाकी मेरे पास अभी तक कोई इसके आदेश के ऐसे कुछ पता नहीं, मिली जानकारी थी।